आज की हमारी वीडियो है इस्लामियात का चैप्टर है अरकान इस्लाम और डे है 10। आज हम पढ़ेंगे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के बारे में। हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के हवाले से कुछ वाकयात बहुत मशहूर हैं, जिनमें से एक दो तीन का जिक्र मैंने यहाँ पे किया है। इसके अलावा एक वाक्य मैं आपको और सुनाऊंगी। तो सबसे पहले हम चलते हैं मक्का की बयाबान वादी की तरफ। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कोई औलाद नहीं थी। अल्लाह ताला से बहुत ज्यादा दुआओं के बाद हजरत इब्राहिम को अल्लाह ताला ने बुढ़ापे में औलाद अदा की। उसके बाद अल्लाह ताला ने उनको हुक्म दिया कि अपने बेटे और अपने बीवी को लेकर मक्का की बयाबान वादी को जाओ और वहां छोड़ो। जैसे कि आप लोग अभी देखते हैं कि मक्का की वादी में बहुत ज्यादा आबादी भी है और वहाँ पे मतलब घर भी बहुत ज्यादा है, दरख्त है, बहुत अब जो है वो डेवलप हो गया कंट्री। लेकिन पहले क्या था, मक्का एक बिल्कुल सहरा था, सऊदी अरब में सहरा था। वहां पर ना पानी का इंतजाम था ना खाने पीने का। लेकिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्योंकि अल्लाह ताला के बहुत ही नेक बंदे थे, उन्होंने अल्लाह ताला से ये सवाल नहीं किया कि अल्लाह ताला मैं वहां पे मेरी बीवी और बच्चा कैसे रहेंगे। उन्होंने सिर्फ हाँ कहा अल्लाह ताला के हुक्म पर और अपनी बीवी और अपने बच्चे को मक्का की बयाबान वादी में छोड़कर आ गए। वहां पे हजरत हाजरा पानी की तलाश में, क्योंकि उनका बच्चा बहुत ही छोटा था और वो पानी से बिलख रहा था, मसफा और मरवा की पहाड़ी के दरमियान दौड़ती जाती थी कि उनको पानी मैसर आ जाए, लेकिन पानी उनको नहीं मिला। हजरत हाजरा की इस कोशिश की वजह से सफा और मरवा की चक्कर काटना यानी सही करना, ये हज के अरकान में शामिल कर दिया गया है कि जो हज करेगा वो सही जरूर करेगा, यानी हजरत हाजरा की सुन्नत को वो मुकम्मल करेगा, उनको फॉलो करेगा, ये भी हज का रुकन है। उसके बाद क्या होता है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो कि बहुत ही छोटे हैं अपने पांव को जमीन पर मारते हैं और वहां पर एक जमजम का कुआं जो है वो निकल आता है और वहां से पानी इतना पानी निकलता है कि हजरत हाजरा उसको स्टॉप करने के लिए कहती है जमजम। तो इस तरीके से यानी अरबी में जमजम को कहते हैं रुक जा। तो इस तरीके से इस कुएं का नाम जो है वो जमजम का कुआं मशहूर है और इस पानी को बहुत ज्यादा बाबरकत और ये ऐसा पानी है जो आज तक रुका नहीं है और ना कयामत तक रुकेगा। उसके बाद एक वाक्य बहुत ज्यादा मशहूर है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को एक ख्वाब आता है कि हजरत अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम अपनी बहुत ही पसंदीदा चीज अल्लाह ताला के रास्ते में कुर्बान करो। और तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को लगता है कि ये जो है मेरा बेटा जो है वो सबसे ज्यादा जो है वो मेरा पसंदीदा है और अल्लाह ताला उनको कहते हैं कि अपने बेटे को मेरे रास्ते में कुर्बान करो। हजरत इब्राहिम कोई सवाल नहीं करते इस पे, वो हजरत इस्माइल से पूछते हैं कि अल्लाह ताला ने मुझे इस तरीके का हुक्म दिया है। हजरत इस्माइल जो कि उनके ही बेटे हैं और उनको ही फॉलो करते हैं, उन्होंने क्या जवाब दिया, उन्होंने कहा कि जो अल्लाह ताला का हुक्म है आप कर दीजिए। उन्होंने अपनी बिल्कुल भी फिक्र नहीं की। हजरत इब्राहिम जब हजरत इस्माइल को लेकर जाते हैं जिबा करने के लिए तो रास्ते में शैतान आ जाता है और तीन दफा वो शैतान उनको मना करता है कि आप इसको जिबा मत करें, ये आपका बेटा है। लेकिन हर दफा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उसको पत्थर मार के भगा देते हैं। और वहां पे सऊदी अरब में जब आप हज करने जाते हैं तो वहां पे जमरात के नाम से तीन जमरात हैं जहां पे कंकरियां मारी जाती हैं और वो इसलिए मारी जाती है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने वहां पे शैतान को मारा था। तो जब हज करने लोग जाते हैं तो वो भी कंकरियां मार के हजरत इब्राहिम की सुन्नत को पूरा करते हैं। खैर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के ऊपर छुरी फेर रहे थे तो अल्लाह ताला ने जन्नत से एक डुम्बा हजरत इस्माइल की जगह भेज दिया और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने डुम्बे के गर्दन में छुरी चला दी। इस तरह हम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को फॉलो करते हुए क्या करते हैं कि कुर्बानी करते हैं, ईद उल अज़हा पर अपनी जान का कुर्बान करते हैं, हजरत इब्राहिम की सुन्नत को फॉलो करते हैं। तो ये हज के बारे में थोड़ा सा एक ओवरव्यू था। और बैतुल्लाह यानी कि खाना काबा, अल्लाह ताला का घर, हज के अरकान, हज जब हम करने जाते हैं तो ये तमाम काम हमें करने होते हैं, जैसे कि सफा मरवा की सही करना, जमेरात को पत्थर मारना, कुर्बानी करना, इसके अलावा भी बहुत सारे काम हैं। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत में शामिल है तमाम चीजें और बैतुल्लाह का हज करना हर मुसलमान पर फर्ज है जो इस्तेदात रखता हो। अगर कोई शख्स ऐसा है जो इस्तेदात नहीं रखता तो उसके ऊपर ये फर्ज नहीं है।